इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। ए गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनिया में इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। अल्लामा इकबाल के अशार मुसलमानों की शानदार तारीख को बयान करते हैं। मौजूदा हालात में आज मुसलमान कहाँ हैं और किस कदर पस्ती में गिरा हुआ है। थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फर्दा हो। तकरीबन माशरा एक अजीब से जहनीत से मुतासिर है। सभी जानते हैं कि मुस्लिम नौजवान इस्लामी तारीख को भूल चुका है। नौजवान नस्ल मोबाइल पर वीडियो गेम अपनी शब और रोज़ गुजार रहा है। और जब तुर्की के सदर जनाब तैयब अर्दोगान ने मुस्लिम नौजवानों को इस्लामी तारीख से आशना करने के लिए अर्दगुरुल गाजी नाम का ड्रामा शुरू किया, तो इस पर भी फतवेबाजी का दौर जारी हुआ है। मुस्लिम नामयाद फतवेबाजों के साथ असल मुश्किल अमेरिका, ब्रिटेन और दिगर ममालिकों की है, जिसमें अर्दगुरुल गाजी पर पाबंदी की मांग की जा रही। वाजर है कि आज दुनिया की सबसे मकबूल तरीन ड्रामा है, जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ जबानों के साथ देखा जा रहा है। अब इसकी मकबूलियत ने दुनिया के सुपर पावर के तक होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका के अखबारों ने अर्दगुरुल गाजी को एटम बम तक कहा है। अखबार कहता है कि मुस्लिम नौजवानों में जिहादी जज्बा पैवस्त करने के लिए यह तुर्की की जानिब शाया किया गया है। मेरी अपनी जाती राय यह है कि जो अदाकार अर्दगुरुल गाजी का किरदार निभा रहा है, वह अपनी जाती ज़िंदगी में क्या करता है, इस पर जहन खफाने से अच्छा है कि यह सीरियल क्या पैगाम देता है और इससे कितना नौजवानों में असर देखा जा रहा है, इस पर तवज्जो दी जाए। इसकी मकबूलियत से यहूदी मुशरिक खौफजदा हैं कहीं इस्लामी इंकलाब ना आ जाए। दूसरी तरफ सऊदी अरब मिस्र में भी इस ड्रामे पर पाबंदी आयद करने की मांग की जा रही। अर्दगुरुल गाजी 13वीं सदी के उस इस्लामी मुजाहिद की दास्तान है जिसने सलीबी और मंगोल के जुल्म सितम का मुंह तोड़ जवाब दिया था। 1299 में खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई। अर्दगुरुल उस वक्त के सुपर पावर बन गए थे। खिलाफत उस्मानिया की 650 साल हुकूमत रही। यह भी बताना जरूरी है कि तकरीबन 40 से भी ज्यादा मुल्क इस्लामी खिलाफत के जेर हुकूमत रहा करते थे। खिलाफत उस्मानिया का मरकज तुर्की था और मक्का मदीना की मेज़बानी भी यही किया करते थे। उस वक्त मुसलमानों पर कोई जुल्म करने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि फौज हथियार बेशुमार थे। जब 1923 में खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया गया, तब 100 साल के लिए इन्हें मुहायदे के तहत बांध लिया गया, यानी कि तुर्की को 100 साल के लिए मुहायदे में बांध लिया गया। उस वक्त के मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क मुहायदे लोजान पर दस्तखत किए थे। तैयब अर्दोगान उस 100 साल का इंतज़ार कर रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि 2023 में यह मुहायदा ख़त्म हो रहा है और इसी बहाने तुर्की दुनिया के मुसलमानों को खिलाफत की तरफ ले जाना चाहते हैं। यही डर अमेरिका इसराइल को है। लिहाजा 15 जुलाई 2016 को सदर तुर्की तैयब अर्दोगान के खिलाफ फौजी बगावत करने की साजिश भी की गई, पर तुर्की के आवाम ने इसे नाकाम बना दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि यहूदियों की साजिश हर वक्त कामयाब नहीं होती, नाकाम भी हो जाती है। साजिशें अब भी जारी है। सऊदी अरब तुर्की के खिलाफ है, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया खत्म होने के बाद काबे की जिम्मेदारी आले सऊद के पास है और आले सऊद अमेरिका की पुश्तपनाई में है। तैयब अर्दोगान का कहना है कि पूरी दुनिया इस्लाम फोबिया के चलते मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती कर रही है। मुसलमान अपनी शानदार तारीख को भूल गए। यह भी बताना जरूरी है कि जब म्यांमार में मुसलमानों पर बे इंतहा जुल्म किए थे, तो यह तैयब अर्दोगान और इनकी अहलिया ने इन्हें मदद की थी। फलस्तीन रूस पर भी काफ़ी गहरी नज़र है और इसी के चलते कश्मीर का भी जिक्र तुर्की की जानिब से किया जाता है। सऊदी अरब मुस्लिम मुल्कों के नाम निहाद क़यादत करता है, पर वर्ल्ड इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिनके कई सारे मुस्लिम मुल्क हैं, इसके बराबर तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, कतार और दिगर मुल्कों को साथ में लेकर कट्टर मुस्लिम मुल्कों का संगठन तैयब अर्दोगान की जानिब से किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि 2023 में जब यूरोप के मुल्कों से लोजेन मुहिदा, जिसे ट्रीटी ऑफ लोजेन कहा जाता है, ख़त्म होगा, तब तुर्की अपने बाहर से गुजरने वाली हर जहाज से पैसा वसूलेगा। पूरी दुनिया को जोड़ने वाला वाहिद समुद्री रास्ता है, जहाँ से मगरिब और मशरिक के तजारती कामों को अंजाम दिया जा सकता है। 2023 में यह रास्ता फिर से तुर्की के अख्तियार में आएगा, जिससे तुर्की अमीर मुल्क बन सकता है। आले सऊद फिलहाल काबे का मेज़बान है, फिर तुर्की के पास मेज़बानी आ जाए, ऐसा इनका मुतालबा भी है। मीडिया के प्रोपोगंडा वार को भी तैयब अर्दोगान अच्छी तरह से समझते हैं। आज मुसलमानों में इस्लामी तारीख को पढ़कर समझने का जज्बा नहीं है, लिहाजा अर्दगुरुल गाजी
के जरिए इस्लामी तारीख को सामने रखने की कोशिश की, जिसमें बेहिसाब कामयाबी हाथ लगी है। इसी तरह मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा जंग लड़ी जा रही है, इसका भी जवाब देने के लिए तुर्की की कयादत में कुछ दिगर मुस्लिम मुल्कों के जरिए अंग्रेजी न्यूज चैनल चलाए जाएंगे, जिसमें इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा जवाब दिया जाएगा। खिलाफत को फिर से लाने का ख्वाब जो तुर्की देख रहा है, अब इसे अलायंस की जरूरत है यूरोप अमेरिका के खिलाफ, जो महाज बनाया जा रहा है, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर, चीन, जापान, रशिया, भारत, पाकिस्तान, ईरान हो सकते हैं। सऊदी मुखालिफत करेगा, क्योंकि मक्का मदीना की मेजबानी चली जाएगी, सऊदी की अमीरी कायम नहीं रहेगी, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। आगे पेट्रोल का इस्तेमाल कम होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी। जाहिर है जब काम नहीं रहेगा तो अमेरिका भी सऊदी से अपना हाथ निकाल लेगा। खिलाफत उस्मानिया के बाद तुर्की में मस्जिदों को बंद किया गया था, मगरबी तहजीब को आम किया गया था, पर पिछले 20 सालों में इस्लाम पर बड़ी शिद्दत से अमल करते मुसलमानों को देखा जा रहा है। बड़ी मस्जिदों में भी इतनी नमाजियों की तादाद होती है कि 5-5 जमातें बनाई जाती है। कोरोना के वक्त में भी जहां दुनिया भर में मस्जिदों को बंद कर दिया गया था, पर तुर्की में हमेशा मस्जिदें भरी हुई देखी गई। कुरान पाक की तालीम इतनी आम हुई कि शायद ही कोई घर बचा हो। ऐसा कहा जाता है कि अब जब बात अर्तुगरुल गाजी की चल रही है, तो अब इसे देखना जायज या नाजायज की भी बातें चल रही है। तारीख को जहनों में पैवस करने के लिए इस तरह के ड्रामे बनाना जरूरी है, ऐसा भी कुछ इल्मी दानिशों का कहना है। मौलाना तारिक मसूद कहते हैं कि एक बड़ा हिस्सा जब फिल्मों फैश ड्रामे देखता है, इन्हें चाहिए कि ऐसे ड्रामे देखे ताकि हमारे तारीख क्या थी इसका एहसास होता है। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता, मैदानों में उतरना पड़ता है। अंग्रेजों ने अपनी किताबों में लिखा है कि मुस्लिम मुजाहिदीन ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, असबाब की दुनिया में नामुमकिन है। आज भी तुर्की के म्यूजियम में महफूज है, जिसे देखकर ईमान में इजाफा होता है। कहते हैं, जब तक कोई भी कौम अपनी शानदार तारीख को याद नहीं रखती, कभी तारीख नहीं लिखा करती है। मुख्तसर, अर्तुगरुल गाजी तुर्की सुबह बरसा में पैदा हुए। मंगोलों ने तुर्कमेनिस्तान पर हमला किया और जुल्म का कहर ढाना शुरू किया। मंगोल बड़े ही जालिम खूंखार थे, जहां भी जाते तबाही मचा देते थे। लिहाजा इनके डर से कबीलों ने हिजरत करना शुरू किया। काई कबीले के सरदार, जो अर्तुगरुल गाजी जिस कबीले से है, उस कबीले का नाम काई कबीला है। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह, जो अर्तुगरुल गाजी के वालिद थे, इन्होंने जिस जगह पर पड़ाव डाला था, सर्दियों के मौसम के लिए साजगार नहीं थे। लिहाजा सुलेमान शाह ने अपने तीसरे बेटे अर्तुगरुल गाजी के जरिए सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के जानशीनों की हुकूमत को हलफ भेजने की जिम्मेदारी दी थी। पर हुआ यूं कि जब सलीबी ईसाई कुछ कैदियों को जकड़ कर ले जा रहे थे, उन कैदियों में रूमी सलजुक शहजादा गयासुद्दीन था, जिसे शहजादा नुमान भी कहा जाता है। साथ में उनकी बेटी हलीमा सुल्ताना भी थी, जो बाद में अर्तुगरुल गाजी की बीवी बन गई। काई कबीले के सुल्तान अर्तुगरुल गाजी ने सलीबियों के किलों पर फतह पा ली। 1225 में वालिद सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद काई कबीले की सल्तनत का फैसला होना ही था कि मंगोल ने 1230 में मंगोल तातारी चंगेज खान की क्यादत में चीन पर हमला कर चुके थे और ईरान चीन फतह कर लिया था। इसने काई कबीले पर भी हमला किया और आग लगा दी। अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। लिहाजा अर्तुगरुल गाजी की बड़ी तवील दास्तान है। आखिरकार अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों को हरा दिया। मंगोलों का हलाको खान भी बीमारी से मर गया। आगे चलकर अर्तुगरुल गाजी सुपर पावर बन गया। बड़े हिस्से पर इसकी हुकूमत रही और बगदाद से खिलाफत अब्बासिया के खात्मे के बाद खिलाफत अब्बासिया काहिरा मुंतकिल हो गई 1280 में 90 साल की उम्र में। सोगात शहर में अर्तुगरुल गाजी की मौत हुई। इसी शहर में अर्तुगरुल गाजी का मकबरा है। अर्तुगरुल गाजी के शुजात, बहादुरी और फरोग इस्लाम को याद रखते हुए तुर्कमेनिस्तान में इसके नाम की अलीशान मस्जिद भी तामीर की हुई है। ऐसे गाजियों को सलाम। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।